सेंटर सेंटर सोलो निकलना सामने राघव ने बोला था लेने का शक्ति यहाँ सामने थैंक यू शक्ति आरे आरे धर्मेश यहाँ पे धर्मेश सर यहाँ सर या अरे यहाँ बोला मैंने बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और डांस प्लस 4 आ रहा है और तीन सीजन कर चुके हैं. तीन सीजन के बाद अब आ रहे हैं हम लोग, तो मतलब इट्स ऑलवेज ग्रेट के क्योंकि अगर सीज़न पसंद नहीं करते तो सीज़न के बाद सीज़न नहीं आते हैं. तो थैंक्स ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि उनकी वजह से हम लोग चौथा सीज़न लेके आ रहे हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. आई थिंक ये शो टैलेंट के लिए बना है एंड जितने भी परफॉर्मर्स आते हैं दे रियली ब्लो आवर माइंड्स. तो इस बार भी ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं जिससे देखकर हम सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं. डांसिंग इज़ गोइंग टू गो अनदर लेवल, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बच्चे क्या कर रहा है. कि डांसिंग विल गो टू अनदर लेवल एंड डांस प्लस सीजन 4 इज़ गोइंग टू बी फिनोमिनल. आई नो दैट नहीं वो नहीं होगा इसमें, वो बिल्कुल नहीं, ये सीरियस हो गया है, ये बहुत सीरियस है. मैं थोड़ा सीरियस हो गया हूँ, कॉमेडी सीरियस वाली करूँगा. होगी सब होगा, मजे होंगे, बहुत मनोरंजन होगा आप लोगों का, बहुत मजा आएगा. और एक नया ट्विस्ट आ रहा है इस बार हमारे शो में. जी डायरेक्शन में ज़्यादा दिलचस्पी मेरी ज़्यादा रहेगी क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जब डायरेक्शन करूँगा तो गाने भी मैं ही करूँगा. हाँ. तो कोरियोग्राफी ऑटोमेटिक में हो जाएगी. तो यस ऑफ कोर्स डायरेक्शन राइट नाउ इज ऑल इन माय माइंड, बट कोरियोग्राफी तो कभी छोड़ूंगा नहीं, वो मैं करता दूंगा क्योंकि मेरा पहला प्यार है वो. सो कभी नहीं छोड़ता. हाँ सभी लोगों ने पसंद नहीं की, बट यस बहुत यस चुनौतीपूर्ण होता है डायरेक्शन करना क्योंकि अगर ऐसी फिल्म हो जो इसमें बड़े बड़े एक्टर्स हों तो बहुत ही ज़्यादा चुनौती आता है आपको. बट आप डायरेक्टर हैं, ऐसी चुनौतियाँ का सामना करना मतलब आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर आप डायरेक्शन नहीं कर सकते. जी Do you feel bad somewhere down the line because you are the one who is trusted by Salman Khan and you have given your blood and sweat to the film. लेकिन जिस तरह से कमर्शियली उसको होना चाहिए था कामयाब जी उतना नहीं हो पाया. Do you feel bad for that? I yes of course as a director as a filmmaker I feel bad. मुझे बुरा लगा कि मुझे जो मैंने सोचा था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया. At the same time मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने जितना मुझे मेहनत करनी थी, जितना मुझे
जो जिम्मेदारी दी गई थी मुझे कि यार ये आपको फिल्म बनानी है और इस लेवल पे बनानी है, ये करना है, मैंने उसका एक मतलब 0.1% भी मैंने उसका नहीं छोड़ा। मैं आई डन एवरीथिंग जितना पॉसिबल था, हम सब ने, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, बट एट द सेम टाइम सबसे बड़ी जो इस इंडस्ट्री में जो है वो जनता है, जनता डिसाइड करती है। अगर उनको थोड़ा भी ऊपर नीचे, वो ये नहीं देखती हैं कि आपने कितना मेहनत किया, क्या पसीना बहाया, आप वो थिएटर में आती हैं देखती हैं, तो शायद कुछ कमियां रह गई होगी उस फिल्म में, तो उतनी नहीं कर पाई, बट कुछ लोगों को बहुत पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई, सो आई एम ओके विद दैट। बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊंगा तो आई विल मेक श्योर कि जितनी मेहनत की थी उससे डबल मेहनत करूँ। नेक्स्ट इज माई डांस फिल्म विच इज गोइंग ऑन फ्लो वेरी सून। एशिया इंडिया टीम को हम सबकी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट एंड यस इंडिया जिंदाबाद। हाँ बोलो। नया तो अभी हम वही पुराने हैं, आइडियाज नहीं रहेंगे, कंटेस्टेंट्स नहीं रहेंगे, यस यस स्टाइल नहीं रहेंगे। इस बार दिखेंगे ना? है नहीं हाँ, तो इस बार दिखेंगे। हमने उनकी झलक ले लो ना, आप जाओ ऑनलाइन चेक कर लो। नहीं नहीं हमें पता नहीं है, पर हम जितने नाम सुने हैं लॉक कोई नहीं हुआ, पर वो भी दिग्गज है, डिट्टो और फिक्शन के लेवल के, और कोई कोई उसके ऊपर भी है। यस यस उनके ऊपर वाले जो हम लोग बहुत पहले फॉलो करते थे ना, वो वाले आ रहे हैं, वो वाले आ रहे हैं। सो फियर तो नहीं होता, लेकिन वो कैसा होता है कि ऐसा कोई आड़ा टेढ़ा थीम आ जाता है और ऐसा कुछ होता है तभी प्रॉब्लम होता है। बट हाँ, हमारी चैनल जो है वो इतना सपोर्ट करती हैं एंड हर एक चीज़ हमें प्रोवाइड करती है, सो ऐसा कोई चैलेंज तो नहीं आता। बट वही है रेमो सर, जब कुछ नया चैलेंज दे देते हैं कि आपको इनको बीट करना है या आपको इनके साथ डांस करना है, तब वाट लग जाती है, बस वही है। और तो नहीं, सपने सिर्फ अपने नहीं होते, सपने सिर्फ अपने नहीं होते, बहुत ही रिलेटेड। जैसे पहले भी कहा था, हम सब एक्चुअली कोई भी इंसान, आप भी जो खड़े हो और कैमरा के पीछे और जो ऑडियंस में भी है, सब अपना अपना जो जिधर पहुंचे लाइफ में उसके पीछे किसी न किसी ने अपना खुद का सैक्रिफाइस किया ताकि वो इंसान आगे आ चुका है। तो मेरे लाइफ में सब ने, बहुत सारे मेरे प्लसेस हैं जिन्होंने अपने खुद के सपने छोड़ के मेरा सपना पूरा किया, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा प्लस अभी जो मुकाम में पहुँचा हूँ उसके पीछे मेरे छोटे भाई का हाथ है, क्योंकि वो है छोटा भाई पर उसने बड़े भाई जैसा काम किया, उसने अपना खुद का सपना डांस का छोड़ा ताकि मैं अपना पूरा कर सकूं। तो यस, मेरा भी सेम वैसे है, मेरे पापा है, मेरे दोस्त हैं, रेमो सर हैं, इवन बहुत सारे लोग हैं, एंड जितने भी लोग अभी सक्सेस हुए हैं, जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके पीछे है, लेकिन उनको थैंक यू बोलने का ऐसा कोई शो, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो ये शो में इस बार देखने मिलेगा, कि जितने भी लोग हैं वो भी खुद को देखेंगे कि उनके खुद के नाम लिए जा रहे हैं, उनको थैंक यू बोला जा रहा है, सो अच्छी है। We are back. हम लोग वापस आ रहे हैं एंड वही धमाके के साथ, तो आप लोग प्लीज उसी जोश के साथ देखिएगा। यस, थैंक यू, थैंक यू। यार बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी, और अगर हम लोग एक्साइटेड होंगे तो आप वो एक्साइटमेंट टीवी के द्वारा आपके अंदर भी आएगी। तो डांस प्लस फोर में बहुत मज़ेदार चीज़ें होने वाली यार, अलग अलग फील के आर्टिस्ट हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी के आर्टिस्ट हैं, अलग अलग सोच के आर्टिस्ट हैं, और दूसरी बात यह है कि जो उनके सपने हैं जो उन्होंने पूरे किए हैं, वो सिर्फ उन्होंने पूरे नहीं किए, उनके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करी है, उनको भी हम ये शो डेडिकेट करेंगे। और इस बार ये एक नया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। यार मेरी वैसे मैं एंकरिंग करता नहीं हूँ, मैं ही रहता हूँ वहाँ, और जो मन होता है वो करता हूँ उस स्टेज में, परिवार जैसा है मेरे लिए वो डांस प्लस, और मज़े करता हूँ।
इस बार एक नया ट्विस्ट मिलेगा आपको, वो ट्विस्ट आपको पता लगेगा जब आप शो देखेंगे, क्योंकि वो ट्विस्ट सस्पेंस में ही रहना चाहिए, उसी के मज़ेदार है वो। और घर जो आशाना है मेरा, मेरे ख्याल से बढ़ गया है, बड़ा नहीं है लेकिन नई नई चीज़ें आ गई हैं उसमें, मैंने घर बदला है अपना, क्योंकि दिवाली के बाद पुताई वुताई शॉपिंग वॉपिंग करी है नहीं, तो वो पड़ोसी का घर थोड़ा खिंचाई तो बहुत होने वाली है उस हेयर स्टाइल में, काफ़ी बढ़िया हेयर स्टाइल है, अगर वो एक तरफ ही काटती है तो पूरे जैसे तुम्हारे तरह तो सही रहता है, लेकिन उसने एक ही साइड काटा है ना, वो गलती कर दी उसने। ऑडियंस को मैसेज देने वाला हूँ कि यार एंजॉय करो ये शो, मज़े लो, आप अगर थक हार के आ रहे हो पूरा दिन कुछ भी करके आ रहे हो, ये रिलैक्स खाना खाते खाते ये शो देखो। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग दिखने वाला है, सबसे ज़्यादा दो टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं इस सीज़न पूरे देश भर से, तो वो बहुत ज़्यादा नया होने वाला है इस सीज़न। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस रेमो सर लेकर आते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल चैलेंज एक है जहाँ पे बाहर के आर्टिस्ट आते हैं जो कि वर्ल्ड रेनाउंड हैं, बैटल्स जीत चुके हैं, वहाँ पर हमारे जो बच्चे पहली बार जो स्टेज पर गए हैं उनके साथ उनको कम्पीट करना होता है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज़्यादा डरावना भी है, मतलब मैं नहीं चाहूँगी कि मैं खड़ी हूँ उनके साथ स्टेज पर बैटल करूँ और हमारे बच्चों को करना पड़ता है, तो बहुत रेमो सर हमारी लाइफ के साथ बहुत खेलते हैं। मेरे प्लस मेरे पापा हैं, एक्चुअली प्लस बहुत सारे हैं, टेरेंस सर भी हैं, नीति दीदी भी हैं मेरी लाइफ में, पर पापा एक ऐसे प्लस हैं जो कि कहते हैं ना अनसंग हीरो, जो कभी क्रेडिट ही नहीं लेते कि मैंने कुछ किया है, वो मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे लेते हैं क्रेडिट, पर पापा एकदम ऐसे हैं कि चुपचाप, उन्होंने उनके उसूल बहुत क्लियर हैं, और जिस सेटअप में जहाँ पे हम लोग बड़े हो रहे थे वहाँ पे हर जगह पे उनको ऐसा जताया जाता था कि आपकी चार बेटियाँ हैं और आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, बेटा अडॉप्ट कर लो किसी का, ऐसे ऐसे करते थे, पर हम लोग जब तक बड़े हुए हमें जब तक समझ में आया कि ऐसा दूसरे लोग बोलते हैं, हमें लगा मम्मी पापा ने तो हमें कभी बताया नहीं कि ऐसे भी लोग सोचते हैं, तो दे नेवर लेट अस नो एनी थिंग। बहुत सारी चीज़ें जब हमने ये फील्ड भी चूज़ करी वो एक दूसरा बड़ा चैलेंज था कि लोग बोल रहे थे कि, और उस वक्त पे जब हमने ये मूव किया तब हमारे घर में बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो ये डिसीजन भी लेना कि डांस करना है कैसे लें, क्या करें, कौन साथ देगा, कौन सा काम मिलेगा, तो बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। उस वक्त पे पापा ने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं नहीं तुम लोग नॉर्मल जॉब करके पैसे ले आओ घर में, नहीं जो करने का मन है करो, तो बहुत ज़्यादा करेज चाहिए एक इंसान के अंदर कि चार बेटियां हैं घर में पैसे नहीं हैं और जब बड़ी हो गई उनको अलाउ करना कि तुम्हें जो करना है वो करो, तो आई रियली सल्यूट माई फादर एंड पूरा सीज़न में उनको बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज ही हैज़ डन सो मच, नो बडी नो लाइक, मैं कभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी तरह बन पाऊँगी। ट्रिब्यूट होगा बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ एक बार ऐसा मौका दें चैनल वाले कि पापा को मैं सामने बैठा के डांस करूँ और उनको थैंक यू बोलूँ। हाँ जी हाँ, उसका टारगेट बिल्कुल भी नहीं बचना, अटैक करूँगी मैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो उसका जोक है और पिटने वाला है वो, सीधी बात है। मैं सारे जितने भी हमारे शो को फॉलो करते हैं उनको कहूँगी कि आपके जो लाइफ में प्लस हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उनको थैंक यू बोलना मत भूलो, जैसे कि ये सीज़न ने मुझे सिखाया है कि हाउ मच आई लव माई फादर एंड आई एम फीलिंग इट एवरी सेकेंड। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं हम भूल जाते हैं हमारे पेरेंट्स ने जितने सैक्रिफाइसेस किए, जितने स्ट्रगल्स किए, तो डू आइडेंटिफाई दैट प्लस इन योर लाइफ एंड ये सीज़न बिल्कुल देखिए, सपोर्ट करिए और हेल्प करिए, हमें बताइए कि हम लोग कैसे एक्ट कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ें आपको पसंद हैं, लेट्स वर्क टुगेदर।